पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट के ज़ेर-ए-एहतमाम वर्ल्ड हाइजीन डे के हवाले से सेमिनार और पोस्टर मुकाबलों का इनेकाद किया गया। तफसीलात शाहरुख नदीम से जानेंगे। जी शाहरुख। जी बिल्कुल, पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया है। इस मौके पर पोस्टर कंपटीशन भी मुनक़द किया गया, जिसमें लाहौर की तमाम यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल कॉलेजेस और अस्पतालों के जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने अपने पोस्टर्स पेश किए। उसके अलावा यहाँ इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के हवाले से एक एप्लीकेशन का भी मुतारिफ़ कराई गई है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अल्ताफ़ अहमद मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। तो सर, क्या मकसद था इस सेमिनार का, कि क्या अवेयरनेस दी जा सकती है सेमिनार के जरिए, और जो एप्लीकेशन मुतारिफ़ कराई है, इससे किस तरीके से इन्फेक्शन कंट्रोल होगा? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आज वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे है, और हमें इस हैंड हाइजीन के ज़रिए सेप्सिस को कम करना है, जो जरासीम ब्लड में जाते हैं। लोगों को ये पता नहीं है, तो ये अवेयरनेस हमने जगानी थी। और ये WHO ने तमाम मुल्कों में, तकरीबन 200 ममालिक इस वक्त मना रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान और पाकिस्तान में PKLI इस मुहिम में साथ आ चुका है। और इंशाल्लाह इस अवेयरनेस से हैंड हाइजीन को तौक़त मिलेगी और लोग इसको करने के लिए कोशिश करेंगे। इसी हवाले से हमने एक ऐप भी लॉन्च की, क्योंकि ऐप में इन्फेक्शन कंट्रोल की सारी चीज़ें हैं हैंड हाइजीन के अलावा। पाकिस्तान का यह पहला ऐप है जो मोबाइल फ़ोन पर ईज़िली डाउनलोड होगा, और हमारे CEO डॉक्टर सईद अख्तर के मुताबिक ये फ्री होना चाहिए सबके लिए, तो ये सबके लिए फ्रीली एक्सेस है।